दोस्तों, आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्न चित रख सकता है, वह है श्रीमद् भगवद गीता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। नरक के तीन द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। अपकृति मृत्यु से भी बुरी है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो इंसान खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे पूर्ण करना चाहिए। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और
मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुखों में आनंद नहीं लेता। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जब जब इस धरती पर पाप अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।